हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दूध ही दूध पीता है और वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो दूध पीने से और बीमार पड़ने से क्या कनेक्शन है? देखिए, छोटे बच्चे जब होते हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, वो कम्प्लीटली मदर फीड पर ही डिपेंड करते हैं, या हम उन्हें फार्मूला या ऊपर का जो भी दूध है उनको बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 6 महीने ऑनवर्ड बच्चे को हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सॉलिड खाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, वो दूध की ही डिमांड करता है और माएँ वहाँ पर ही गलती करती हैं। बच्चे के लिए उन्होंने सॉलिड प्रिपेयर किया, वो बच्चे ने डिनाई कर दे, नहीं खाया, या एक दो बाइट लिया, एक दो स्पून ली और बच्चे ने फिर वो इंटरेस्ट लेके नहीं खाया, तो मम्मा क्या करती हैं कि बच्चे को वापस से दूध पिला देंगी, या तो अपनी ब्रेस्ट फीड करा देंगी या फिर वो ऊपर का जो भी दूध देती हैं, काओ है, बफेलो मिल्क है या फार्मूला मिल्क है, वो दे देती हैं, जिससे बच्चे का पेट भर जाता है और माँ को भी ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे का पेट भर गया। लेकिन क्या आपको मालूम है, अधिक मात्रा में अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ दूध ही दूध दे रहे हैं तो बाकी के पोषक तत्व आपके बच्चे को नहीं मिल रहे हैं। और डेफिनेटली जब बच्चा सिर्फ दूध ही दूध पिएगा तो वो बीमार तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए, जब 6 महीने तक बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो माँ सब कुछ खाती है, दूध, सब्जी, रोटी, चपाती, घी, और उससे जो दूध बनता है वो बच्चे के लिए अमृत समान होता है और सारी चीज़ें बच्चे को उस माँ के दूध से मिल जाती है। लेकिन जब बात आती है, जब हम बच्चे को ऊपर का दूध देने लग जाते हैं, तो वो बच्चे के लिए इतना न्यूट्रिशियस नहीं होता। हमें साथ में अपने बच्चे को और भी सारी चीज़ें देनी होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दही है, चावल है, रोटी, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करती हैं जैसे जैसे बच्चा हमारा ग्रोथ करता है। तो मेरे पास एक कमेंट था एक मदर का कि मैम, मेरा बच्चा सिर्फ दूध ही दूध पीता है और कुछ भी मैं उसके लिए कुक करूँ, बनाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, बट इंटरेस्ट लेके नहीं खाता और बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली देखिए, ज़्यादा दूध पिलाने से बच्चे को एनीमिया की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आपके बच्चे को सूखा रोग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एनीमिया है तो डेफिनेटली सूखा जो रोग होता है बच्चे, जिसमें बच्चा सूख जाता है, कुछ भी खाता नहीं है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि सिर्फ दूध दूध दे के आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ सकता और ना ही बच्चे की हाइट अच्छे से इम्प्रूव होगी, ठीक है, और ना ही आपके बच्चे को जो नेचुरल भूख है वो लगेगी, क्योंकि आप उसे और कोई चीज़ नहीं दे रहे, सिर्फ दूध ही दूध पीता है आपका बच्चा। और जब सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो वो बीमार पड़ेगा ही, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं, उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके बच्चे को मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, बच्चे का दिमाग अच्छे से विकसित नहीं होगा, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की दिक्कत हो सकती है। और खाली दूध दूध पीने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आंतों के लिए फाइबर्स की ज़रूरत होती है, वो आपके बच्चे को नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चा बीमार होगा, बच्चे को पेट से संबंधित प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, बच्चा टाइम टू टाइम फ्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी सारी दिक्कतें आपके बच्चे को हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है कि ज़्यादा दूध आप पिला रहे हो और बाकी चीज़ें आप नहीं दे रहे हो, या आपका बच्चा इंटरेस्टिंग वे में नहीं खा रहा है उनको, तो वो बीमार पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, 6 महीने तक तो आपको दूध पिलाना है, उसके बाद आपको दूध कर देना है कम, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको अपने बच्चे को सॉलिड खाना देना है। फिंगर फूड आप इंट्रोड्यूस करिए, फिंगर फूड्स में आप बच्चे को पोटैटो चिप्स हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बच्चे को हाथ में दे दीजिए जिनको बच्चा आराम से खा सकता है। बॉइल्ड कैरेट है, बॉइल्ड आपकी ब्रोकोली है, पोटैटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, जिनको बच्चे बड़े चावों से खाते, बड़े इंटरेस्ट से खाते हैं। इसके बाद आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 1 साल के ऊपर हो जाए, तो आप उसे बाइट में खाना देना स्टार्ट कर दीजिए। आप इडली बना दीजिए, आप अप्पे बना दीजिए, आप चीला बना दीजिए, आप चपाती बना दीजिए, उनके छोटे छोटे पीस आप बच्चे की प्लेट में रख दीजिए, बच्चे बड़े आराम से खाएगा, ठीक है। आप अपने बच्चे को दही दीजिए, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बच्चा एकदम सारा खाना फिनिश नहीं करेगा, आप उम्मीद लगाओ कि मैंने बनाया तो बच्चा उसे एकदम चट कर जाए, फिनिश कर दे, ऐसा नहीं होगा। बच्चा पहले उसमें से थोड़ा थोड़ा खाएगा, उसका इंटरेस्ट जगेगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी हैबिट डेवलप होगी, च्यूइंग हैबिट डेवलप होगी, उसे समझ में आएगा कि हाँ, मुझे खाना है, मम्मा ने मुझे दिया और मुझे वो फिनिश करना है।
तो इस तरीके से चीज़ें आपके बच्चे की बढ़ेंगी। बच्चे चार चार पाँच पाँच साल के हो जाते हैं, बच्चे दूध पे ही डिपेंड रहते हैं, कुछ नहीं खाते। अगर रोटी खाते हैं तो सब्जी नहीं खाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो नहीं खा रहे तो बस उनको दूध थमा देते हैं। ये नहीं करना है बच्चे को। आप थोड़ा सा आप बच्चे के साथ पेशेंसली काम लीजिए थोड़ा सा। अगर बच्चे को आप थोड़ा सा रखेंगे कि हाँ नहीं दूध नहीं देना, तो वो थोड़ी देर तक तो रोएगा, परेशान होगा, फिर जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तब आप उसे जो कुछ भी दोगे वो बड़े आराम से उसको खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करेगा। अपने साथ बिठाइए, बच्चे के लिए जो हाइट चेयर होती हैं वो चेयर बच्चे के लिए ज़रूर लाइए, बहुत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप बच्चे को उस पर बिठाओगे, बच्चे का माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे अब खाना खाना है। तो वो चेयर आप ज़रूर बच्चे के लिए, जो फूड चेयर होती हैं, आप बच्चे के हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे को बिठा लीजिए, बच्चे को बिठाइए और सर्व कर दीजिए और उसे एंजॉय करने दीजिए, खुद से खाने दीजिए। तो बच्चे को आयरन है, विटामिन ए है, बच्चे को कैल्शियम है, फाइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को मिलेंगी। और फिर देखिए आपका बच्चा जो बीमार बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दूध पर ही फोकस मत करिए, बहुत ज़्यादा दूध मत दीजिए, धीरे धीरे दूध की जो क्वांटिटी कम करिए और फूड वो आप अपने बच्चे को दीजिए। देखिए आपका बच्चा एकदम हेल्दी रहेगा, उसकी हाइट, उसकी ग्रोथ, उसका फैट सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप उन मॉमीज़ जो कि सिर्फ बच्चा दूध ही दूध पर रहता है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज़ ज़्यादा दूध बच्चे को मत दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को देना स्टार्ट करिए। बच्चे का इंटरेस्ट देखिए कि वो किस में ज़्यादा ले रहा है, वही बनाइए, नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखिए, नई नई डिशेज बनाइए, कलरफुल बनाइए, बच्चा ज़रूर खाएगा। तो डियर मॉमीज़, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।